सोलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 7 नवंबर और टाइम हो रहा है 3:59, मतलब 59 मिनट। सो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं बैंक निफ्टी यहाँ पर मैंने ओपन किया है और बैंक निफ्टी को यहाँ पर देखिए, काफ़ी ज़्यादा आज मार्केट वोलेटाइल एंड साइडवेज टाइप का हमें देखने को मिला है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से ओपन होते ही नीचे आया, यहाँ पर साइडवेज, फिर से ऊपर, ठीक है। तो आज अभी मैं जो शुरुआत करने वाला हूँ, थोड़ा सा टेलीग्राम से मैं शुरुआत करूँगा, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था कि 10:30 के पहले कोई यहाँ पर मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था और यहाँ पर आप देखेंगे कि 10:30 आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। 10:30 के पहले मार्केट ने अपना 5 मिनट का कैंडल तक भी ब्रेक नहीं कर पाया था, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया, तो ये पहले की एनालिसिस है मेरी। तो मैं उस बिहाफ पे बोल रहा था, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ इस तरह चीज़ों मैंने ये चीज़ देख के बोला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि मैंने ये भी बता दिया था कि बैंक निफ्टी में जितना भी डाउनसाइड का सपोर्ट टूटेगा, अगर तोड़ता है तो मार्केट घूम के वापस आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने बोला था। तो यहाँ पर मैं देखिए सपोर्ट ओपन करता हूँ इसका। तो यहाँ पर देखिए 500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर, उसे मान सकते हैं इसको, और ये हमारा एक सपोर्ट का काम करता। अब लेकिन क्या किया मार्केट ने, देखिए यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा एक बार डाउन आया, उसके बाद देखिए घूम के वापस हो गया, मतलब सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो दूसरा जो मैंने बात बोली वो भी यहाँ पर फॉलो हुई और पहली बात जो बोली ये भी फॉलो हुई, ओके। अब आते हैं तीसरा। तो तीसरा यहाँ पर मैंने क्या चीज़ बोला था देखते हैं, हाँ, 1 बजे या 1:40 तक मोमेंटम आ सकता है इसके बीच में। तो 1 बजे हम देखते हैं यहाँ पर, एक कहाँ पे बज रहा है, 1:40 तक देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बज रहा है अराउंड यहाँ पर, 1 बज रहा है हमारा, ठीक है, ये वाली कैंडल हमारा 1 बजा, और 1:40 कहाँ पर बज रहा है, 1:40 हो रहा है ये वाला, अब देखिए 1:40 ये वाला। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि 1 बजे से और 1:40 के बीच में मोमेंटम हमें वन साइड डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। वन साइड डायरेक्शन यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने ना, वन डायरेक्शन मूव आ सकता है। अब देखिए वन डायरेक्शन मूव कितने बजे है, 1 बजे से और 1:40 के बीच में ही शुरू हो गया इसका मोमेंटम। इसको देखिए आना चाहिए, ऊपर जब जाना चाहिए था इसको। अब देखिए एक चीज़, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट कोई चैरिटी फंड नहीं है, ठीक है, कि सबको पैसा देगा। तो मार्केट पहले अगर उसको ऊपर जाना, पहले नीचे साइड को ट्रैप करेगा लोगों को, ठीक है। यहाँ पर ट्रैप किया मार्केट ने, कैसे ट्रैप किया, यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट और क्रिएट हो रहा था, ठीक है, एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा था, मार्केट ने सबको दिखाया एम पैटर्न बन रहा हूँ, और जैसे इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ मार्केट घूम के वापस, ठीक है। मैंने वही चीज़ शुरू में बोला था, कोई भी सपोर्ट ब्रेक करेगा मार्केट तो घूम के वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी ब्रेक हुआ और घूम के वापस हो गया मार्केट यहाँ पर। तो ये तीसरी बात मेरी जो मैंने बोला वो सही हो गया। अब आते हैं कोई और कुछ बोला हो, यहाँ पर एक मैंने बोला था 2:50 पर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ तक तो क्या हुआ, ये तो हमारा एक सपोर्ट ही था इसका, मतलब ऊपर रेसिस्टेंस बन गया ये। अब 2:50 का कैंडल देखते हैं कितने बजे था, ये रहा 2:50 का, ये 2:50 का कैंडल है। अब यहाँ पर मैंने बोला था 2:50 पर मार्केट हमें मूव दे सकता है, और ये मैंने बोला था कितने बजे, 2:26 पर, और 2:50 पे देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से घूमा और ये बेहतरीन मोमेंटम किया। अब अगर इसको देखें हम कितना मूव है ये 2:50 के बाद, 2:50 के बाद मार्केट ने अराउंड 222 पॉइंट का, या मतलब 200 पॉइंट से प्लस, 200 पॉइंट प्लस यहाँ पर मार्केट ने मूव दिया। तो मैंने ये 4 या 5 जो हुआ, तो मैंने इतना यहाँ पर बातें बोली थी और सारी बातें यहाँ पर फॉलो हुई हैं पूरी पूरी, ओके। एक लास्ट में मैंने ये बोला था कि मार्केट 41,533 के ऊपर अच्छा मूव देने वाला है। तो 41,533 अगर आप देखते हैं तो 41,533 आपका यहीं पर रहता, मतलब वही 200 पॉइंट प्लस यहाँ पर मार्केट ने हमें मूव दिया। तो जितनी मैंने बातें बोली सारी बातें यहाँ पर फॉलो हुई हैं, बट यहाँ पर अगर मैं अपना प्रॉफिट आपको दिखाऊं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको 1 मिनट, तो ये 532 रुपये, ठीक है, 500 रुपये प्लस यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये क्यों हुआ इतना कम, मैं इसका भी आज रीज़न थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिर्फ 532 रुपये ही क्यों हुआ था। तो अब देखिए ये सारी बातें मैंने बहुत पहले ही बोल चुका था, जितनी सारी मैंने बातें बोली। एक मैंने यहाँ पर देखे ट्रेड कितने बजे, यहाँ पर
एक वीडियो बना के मैंने भेजा था, ये मैंने 2:13 पे, 2 बजे के बाद मैंने शायद ट्रेड ही लिया था, कोई ट्रेड मैंने जो किया 2 बजे के बाद मैंने ट्रेड लिया था, तो मैंने एक वीडियो बना के यहाँ भेजी थी। तो 800 रुपये से ज़्यादा के यहाँ पर प्रॉफिट तो दिख रहा था मेरा, बट क्या हुआ मार्केट वहाँ से घूम के वापस आ रहा था, क्योंकि मैंने शायद यहीं कहीं पर, अगर 2 बजे देखते हैं तो यहाँ कहीं पर मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है ये वाला, ठीक है यहाँ कहीं पर मैंने ट्रेड प्लेस किया था, मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे आ गया, तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया था, ठीक है यहाँ पर एग्जिट हुआ, तो वो हमारा 500 रुपये का हमने जो प्रॉफिट लिया था सिर्फ वही 500 रुपये का प्रॉफिट बचा। उसके बाद ये वाला मोमेंटम आना शुरू हुआ, और प्रॉफिट आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब इतनी देर मार्केट साइडवेज हो गया, अब इसको देखते देखते क्या हुआ ना कि मुझे नींद आने लगी थी, मैं आज काफ़ी सुबह उठ चुका था और मुझे आने लगी थी नींद, तो मैं बीच में सो भी गया था एक बार, तो फिर उसके बाद फिर मन नहीं किया ट्रेड करने का, तो ये सब मूव जो था ये वाला मूव मैंने फिर कैच नहीं किया, क्योंकि अब अगर सो के उठो फिर मन नहीं करता है, ठीक है क्योंकि वहाँ पर माइंडसेट भी बहुत अच्छा उस समय नहीं रह पाता है, तो फिर कुछ देर मेरी नींद लग गई थी, आँख लग गई थी, उसके बाद मैं सो गया था, तो ये सब मूव मैं पकड़ नहीं पाया, पकड़ क्या मैं उस समय जग रहा था देख रहा था, उस समय मैंने ट्रेड नहीं लिया था, मेन बात ये है, ठीक है क्योंकि जब ये बन रहा था मैंने इससे पहले 10-10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले मैंने पोस्ट किया था हर चीज़ को, तो चीज़ें पता थी पहले से क्या क्या होने वाला है, बट यहाँ पर मैंने ट्रेड इसीलिए नहीं लिया था कि इस तरह की सिचुएशन उस समय नहीं बन पा रही थी, क्योंकि सो के उठो फिर अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सपोर्ट ब्रेक करने के बाद अगर आप देखते हैं तो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पर अराउंड 166 पॉइंट नीचे आया है, ठीक है 166। लेकिन अगर इसका आप अपसाइड का मूव देखेंगे तो 422 पॉइंट यहाँ पर मार्केट ऊपर गया टोटल, और अगर इसको देखेंगे कि इसका जो अगर सब इसका रेसिस्टेंस देखेंगे ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अराउंड यहाँ पर फिर भी 250 पॉइंट प्लस यहाँ पर मार्केट ने मूव दिया। मैंने मॉर्निंग में ही बोला था यहाँ पर टेलीग्राम में कि आज मार्केट बुलिश रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर साइडवेज भी लिखा था बुलिश टू साइडवेज, ये मैंने 11:26 पर ही भेज दिया था, तो चीज़ें पता थी पहले से बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था, और दूसरी बात मेरा थोड़ा सा मन भी नहीं था, तो फिर मैंने एक छोटा सा यहाँ पर पोजीशन लिया और मार्केट जब नीचे आया तो मैंने फिर एग्जिट हो गया, क्योंकि अब जब प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं छोड़ क्यों दूँ, जब 800-900 रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया मार्केट ने, मन भी नहीं अच्छा ट्रेड करने का मूड नहीं है, तो जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके निकल जाओ, उसी मूव में अगर निकल गया होता तो मैं इसको होल्ड कर देता, बट उसी मूव में मार्केट होल्ड नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का रीजन ये वाला कि इतना कम प्रॉफिट क्यों हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कभी भी साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जैसे कि कुछ लोग इसको मानते हैं, इसको भी माना जाता है कि ये भी सपोर्ट का काम करेगा डाउन हमारा, ठीक है जो 5 मिनट की कैंडल होती है, कोई 5 मिनट की स्ट्रेटजी भी यूज करते हैं, तो अगर 5 मिनट की स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं यहाँ पर, ये भी एक सपोर्ट था हमारा, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद जैसे ब्रेक किया मार्केट, और कई लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, यहाँ पर एंट्री बनाई, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, अब जिसने भी एंट्री बनाई थी वो वहाँ पर डेफिनेटली एग्जिट हो गया होगा, क्योंकि ये 2.5 घंटे का ये मूव था, ठीक है ये 2.5 घंटे साइडवेज था मार्केट, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर पोजिशन क्रिएट किया था वो सब यहाँ पर एग्जिट हो गए। अब कई सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग की, किसी ने सेलिंग की, किसी ने बाइंग की, किसी ने सेलिंग की, ओवरऑल सब ने यहाँ पर लॉस किया, ठीक है मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडर रहे होंगे, इतनी देर कोई होल्ड नहीं करता जल्दी, तो क्योंकि नहीं करता, ऑप्शन बाइंग है, प्रीमियम घटेगा इसमें, तो यहाँ पर इतनी देर बैठेंगे नहीं लोग, और यहाँ पर कई सारे लोग एग्जिट कर चुके हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर, इनको लगा कि यहाँ पर बाई करें, बाई किया, नीचे थोड़ा आया मार्केट, यहाँ से एग्जिट, यहाँ पर भी लॉस, बाइक जो की है वो भी लॉस, सेल जो की है वो भी लॉस, तो CEP दोनों में यहाँ पर लॉस हुआ। इसलिए कहा जाता है कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी ये चीज़ पता है कि ज़्यादातर आपको मार्केट में बैठना पड़ता है, ट्रेड करने का समय बहुत कम ही होता है। अब यहाँ पर आपको एंट्री लेना चाहिए, ठीक है एंट्री यहाँ पर अगर कोई लेता तो बताओ 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट मिल जाता, यहाँ पर 2.5 घंटे अगर बैठना पड़ा, अब बताइए यहाँ पर 2.5 घंटे बैठना पड़ा तब भी प्रॉफिट नहीं मिला, यहाँ पर 10 मिनट में सारा प्रॉफिट दे के गया मार्केट। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमें बैठना पड़ता है, अगर बैठना सीख गए तो ये वाला मूव पकड़ना सीख जाओगे। लोगों क्या है, बैठ नहीं पाते लोग, जब लोग बैठ नहीं पाते लॉस कर जाते हैं, कैपिटल कर लेते हैं जीरो, तो सबसे पहले यहाँ पर बैठना सीखिए,
थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्वेशन करना था कि मार्केट किस मोमेंट के बाद, किस मोमेंटम के बाद क्या करता है, उसके बिहेवियर को अगर समझेंगे बैंक निफ्टी के, तो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जैसे मैंने हर चीज़ यहाँ पर पहले ही बता दिया कि ये होने वाला है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं बताई जो गलत हुआ हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दिया। अब यहाँ पर इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे बिहेवियर पता है कि मार्केट अगर कोई मूव देता है उसके बाद क्या करता है, कोई पैटर्न बनाता है तो मार्केट कब फेल होता है, कब वहाँ पर निकल जाता है मार्केट, अपना पैटर्न को सक्सेसफुली पास कर देता है, मतलब निकल जाता है मार्केट, कब फेल करता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगी बैंक निफ्टी को। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको, तब जाके ये सारी चीज़ें होगी। अगर एक चीज़ और है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लग रहा है कि पूरा एम पैटर्न बना है, ठीक है, यहाँ पर एम पैटर्न, वन मिनट, यहाँ पर अगर मार्केट ऐसे आ रहा है, यहाँ पर आपको 100% मान लीजिए आपको पता है कि मार्केट यहाँ से डाउन आने वाला है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है उस समय, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे ये जितना नीचे, ये नीचे भी आता जाएगा तब भी आप लॉस करते जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा अपने ट्रेड पर, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बताता गया, बट मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मुझे पता था यहाँ डाउन आने वाला है यहाँ से, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरी आज इंटेंशन यहाँ पर क्या थी, मार्केट सिर्फ यहाँ पर बुलिश जाएगा, और बुलिश जाएगा तभी मुझे ट्रेड करना है। अब मुझे मैं सच में एक बात बताऊँ कि यहाँ पर मुझे क्या लग रहा था कि ये दो काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने सोचा था ऐसा हुआ नहीं। मैंने यहाँ पर क्या सोचा था कि ये मार्केट 5 मिनट के अपनी जो कैंडल है, ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मैंने ये सोचा था। मतलब इतनी देर नहीं सोचा था, 2.5-2.5 घंटे ऐसे साइडवेज होके मार्केट काम करेगा, तो मैंने ये सोचा था कि या तो फिर यहाँ से मार्केट घूम के वापस आ जाएगा, या तो मार्केट ये 500 का जो लेवल है इसको मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, यहाँ पर कुछ लोगों को ट्रैप करेगा, उसके बाद फिर से घूम के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 2.5 घंटे इतनी देर तक मैंने नहीं सोचा था साइडवेज हो जाएगा, बट यहाँ पर साइडवेज हुआ, ठीक है, साइडवेज हो गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं था। अगर हो गया तो अच्छी बात, कोई बात नहीं, हम लोग लॉस तो नहीं किए, अगर प्रॉफिट नहीं किए, लॉस भी नहीं किए हैं यहाँ पे। तो मैंने ऐसा सोचा था, अगर ऐसा होता तो हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग में ही ट्रेड प्लेस करते और अच्छा प्रॉफिट लेते। ये वाला जो मूव यहाँ पर आया है लास्ट में, ये वाला मूव अगर यहाँ मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, यहाँ पर कुछ लोग ट्रैप फंस जाते, डाउन साइड जो ट्रेड ले लेते, ठीक है। मार्केट कोई चैरिटी फंड नहीं, वो जब उसको मूव देना होगा तो एक बार उल्टा मूव करेगा आपके, मतलब जिस डायरेक्शन में उसको जाना होगा उस डायरेक्शन में ना जाके वो अदर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर जाएगा, और बहुत अच्छा पैटर्न से जाएगा, बहुत अच्छे कैंडल से जाएगा, और फिर ऐसे आएगा और ऐसे घूम जाएगा, बहुत तेज़ी से घूमेगा कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे यहाँ को देखेंगे कि मार्केट देखिए 2 कैंडल डाउन बनाया रेड में, अब लोगों को लगा यहाँ पर फटाफट सेलिंग करो, सेलिंग करो, और जैसे सेलिंग हुई मार्केट देखिए फटाक से तेज़ी से बड़ा बड़ा कैंडल बनाते निकल गया ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट काम करता है, और प्रॉफिट का कोई लेना देना इससे नहीं है, प्रॉफिट जो हुआ सो हुआ, सो ठीक है, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया फ्रेंड कि ये सब क्यों हुआ था, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ मैंने आज पूरे दिन का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेरा क्या व्यू था, मेरा क्या माइंडसेट था। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को फ्रेंड, ओके। और प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिनको बहुत थोड़ा ज़्यादा सीखने का आपको लालसा हो, आप सीखना चाहते हैं ज़्यादा, तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।